हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, आरिफ देश यूट्यूब चैनल पर भी। और यह है डे टू, पार्ट टू आप देख रहे हैं। आज हम जाएंगे विजयवाड़ा से कोयम्बटूर तक, और अभी हम विजयवाड़ा पे अराइव हो चुके हैं। जैसा, और मुझे बताइएगा आपको सनराइज का टाइम लैप्स कैसा लगा? बहुत मुश्किल से बनाया है वो। ठीक है, विजयवाड़ा की बात करी जाए तो यहाँ मैं एक मैप डाल दूंगा, उसमें सब बता दूंगा कि यहाँ से कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ के लिए डाइवर्ट होती है। ठीक है, और अभी राइट टाइम पहुंची है हमारी ट्रेन, और आई होप राइट टाइम जल्दी निकल भी जाए। और देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट में लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिलता है तो। जैसे मैंने सुना है यहाँ पे इडली सांभर बहुत अच्छा मिलता है, ऑन दी स्टेशन ओनली। मतलब बाहर भी अच्छा मिलता है, पर कुछ कुछ जगह होता है ना कि स्टेशन पे अच्छा खाना नहीं मिलता, बट यहाँ पे स्टेशन पे भी अच्छा खाना मिल जाता है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर डिपार्चर दिखाता हूँ। भैया इडली बड़ा देना। ये इडली वड़ा मुझे पड़ा 40 रुपीज़ का, और अब चलिए देखते हैं, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा था ये। हाँ जी, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ब्रेकफास्ट गरम भी है और फ्रेश भी है। विजयवाड़ा से निकलते हुए राइट टाइम पर, कल रात को हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट थी, पर आज राइट हो गई सुबह सुबह। अब आपको मैं दिखाऊंगा विजयवाड़ा कैनाल और विजयवाड़ा की कृष्णा रिवर, कृष्णा कैनाल। कृष्णा रिवर
जो लाइन आप देख रहे हैं ये सिकंदराबाद की तरफ जाती है, तेनाली जंक्शन पे है ये, और अब हम एंटर कर रहे हैं तेनाली जंक्शन। वैसे तो हमारा स्किप है, पर शायद स्लो स्किप करेंगे या तो फिर अनशेड्यूल्ड हॉल्ट होगा। आउटर पर रोकी गई थी ट्रेन को, एक लाइन और जाती है यहाँ से रेपाले के लिए, पास में ही यहाँ से रेपाले, वहाँ मेमो जो और लोकल ट्रेन चलती है, तो यहाँ से मतलब टोटल चार लाइन जाती है, एक चेन्नई की तरफ, एक विजयवाड़ा की तरफ, एक सिकंदराबाद की तरफ और एक रेपाले की तरफ। अब देखते हैं हम तेनाली को स्किप करते हैं या अनशेड्यूल हॉल्ट होता है। विजयवाड़ा वेब 4, रेपाले सिकंदराबाद एक्सप्रेस, मैंने आपको जो बताया था।
वेन्ना रिवर। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं गुड़ूर जंक्शन। और गुड़ूर जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है चेन्नई की तरफ और एक लाइन जाती है विजयवाड़ा जिस साइड से हम आए, और तीसरी लाइन जो जाती है वो जाती है रेणुगुंटा तिरुपति की तरफ जिस साइड हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए हैं कुछ 25 मिनट के डिले के साथ, और मैं आपको यहाँ का डिपार्चर दिखाता हूँ फिर। जी तो हम निकल चुके हैं अभी। एक्चुअली क्या हुआ ना, ट्रेन चल दी और एकदम से बजन मच गई और एक बंदा गिरते गिरते बचा। वो तो मैंने उसे पीछे से सपोर्ट दिया, नहीं तो आज गिर ही जाता वो। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जा रही है चेन्नई की तरफ और हम इधर डाइवर्ट हो रहे हैं रेणुगुंटा तिरुपति की तरफ।
जी तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम रेणीगुंडा जंक्शन के आउटर पे हैं और ये जो है ये रेणीगुंडा चौड़ लाइन है जो कि कनेक्ट करती है दुद्धगल लाइन जो कि रेणीगुंडा से निकलती है, तो एक तरीके से बाईपास लाइन का काम करती है गुडूर जंक्शन से आने वाली ट्रेनों के लिए। रेणीगुंडा से ये दो लाइनें और जाती हैं, एक जाती है तिरुपति की तरफ और एक जाती है अरकोणम की तरफ, और अरकोणम से होते हुए चेन्नई जाती है वहाँ से ट्रेनें। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन से हम आए, एक लाइन अरकोणम वाली हो गई और एक लाइन तिरुपति जिससे हम जाएंगे, तो इसलिए रेणीगुंडा को जंक्शन कहा जाता है। ये देख सकते हैं। हाँ जी, तो जो मैं आपको बता रहा था गुंतकल के लिए कॉर्ड लाइन निकाली, वो ये वाली लाइन है मेन लाइन गुंतकल की, रेणीगुंडा से बब्बी गेट होती है और ये हम जा रहे हैं रेणीगुंडा जंक्शन की तरफ। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं रेणीगुंडा जंक्शन और मैंने आपको बता ही दिया था कौन सी लाइन यहाँ से निकलती है सारी, गुंतकल, अरकोणम और गुडूर जिस साइड से हम आए और तिरुपति जिस साइड हम जा रहे हैं। लाइटिंग हाँ यहाँ पे अच्छी है। तो यहाँ पे हम आए हैं कुछ आधे घंटे की डिले से, 25-30 मिनट के डिले से, और अब मैं यहाँ का आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, ठीक है। और आपको अगर जर्नी में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे बहुत अच्छी रील्स डाल रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसका डिपार्चर। रेणीगुंडा जंक्शन से डिपार्ट होते हुए अब अगला हॉल्ट है तिरुपति। ये देखिए जो लेफ्ट में लाइन जा रही है ना, ये जा रही है चेन्नई की तरफ अरकोणम से होते हुए, और हम जा रहे हैं तिरुपति साइड। तो हम अराइव हो रहे हैं तिरुपति पर, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको ये जर्नी दो पार्ट्स में दिखाऊंगा, बट अब मैं इसको तीन पार्ट्स में दिखाऊंगा। दूसरा पार्ट हम यहीं एंड कर रहे हैं, तो वीडियो को यहीं इसके बाद एंड कर देंगे यहाँ की इन्फो के बाद। तो मिलता हूँ मैं आपसे पार्ट थर्ड में, तब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ट्विटर पे भी फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर देना। तो अब हम आ चुके हैं तिरुपति और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत तिरुपति किसके लिए फेमस है। तिरुपति फेमस है तिरुपति बालाजी के लिए, यहाँ पे केशों का दान किया जाता है, मतलब बालों का दान किया जाता है। आधा घंटा यहाँ भी लेट आई है और बस अब मैं आपको यहाँ का डिपार्चर दिखाता हूँ।